हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एंड बहुत बहुत सॉरी है आप लोगों को, बिकॉज मैं कुछ 6 महीने बाद मैं और मेरी मेंटेस आप लोगों के सामने आई है। रीज़न बीइंग ये है, आप लोगों ने जैसे मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने धर्मशाला से व्लॉग डाले हुए हैं। एंड जैसा कि आपको पता है कि मैं मुंबई से धर्मशाला राइड करके गया था, दैट वाज वन ऑफ माय लाइफ्स बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट राइड टिल नाउ, एंड दैट टू इन अ सुपर नेकेड। तो उसकी बात ही कुछ और थी। उसके बाद मैं फिर बाइक को वहीं रख के जॉब के सिलसिले में फिर से मुंबई आ गया। एंड अभी मैं राइड करके वापस आया हूँ फ्रॉम धर्मशाला। बट मैं मोटो व्लॉगिंग करना भूल गया या मैंने की नहीं की यार, जस्ट बिकॉज 42 और 44 डिग्री टेम्परेचर पे जो मेरा हाल हुआ है ना, उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि भाई रहने दो बाइक को कहीं पे, इसको ट्रांसपोर्टेशन में डालते हैं और खुद मस्त या तो एसी ट्रेन या तो फिर फ्लाइट पकड़ के सीधा वापस मुंबई आते हैं। बट लव फॉर द मेंटेस इज नेवर गोइंग टू एंड, लव फॉर द मोटरसाइकिल इज नेवर गोइंग टू एंड। एंड मैं फिर धीरे धीरे करके मुंबई पहुँच ही गया। सो आज काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़े काम से मैं पर्सनल काम से इधर आया हूँ। पर्सनल काम तो क्या, मेरे भाई की मैरिज है एंड उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत ख़रीदारी करनी है। सूट के सिलसिले में मैं आया हूँ। सो यहीं पर ये एक रमेश टेलर करके उन्हीं के पास जाऊँगा एंड आपसे दोबारा मिलूँगा। रमेश टेलर तो आ गया, बट पार्किंग के लिए कहाँ पर, यहाँ पर एक ऑप्शन है, आई थिंक यहाँ सेफ रहेगा। रहना तो चाहिए बट बाइक निकलनी भी चाहिए बाद में। लेट्स सी। हाँ भैया, क्या हो गया इसको। चलो, सो आई हैव रीच्ड रमेश टेलर। हाँ यही है रमेश टेलर, पत्तों के बीच में से जा रहे हैं। हाँ 8 बजे रहे। चलो फिर अंदर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। ओके, तो अपना यहाँ वाला काम तो ख़त्म हो गया है। अब मेंटेस को लगी है भूख, इसका भी भूख का जुगाड़ कर देते हैं। पेट्रोल पंप कहाँ वाले में डलवाऊँ, इधर वाले में कि आगे वाले में। आगे वाले में चलते हैं यार थोड़ा। चलो मेंटेस, वेलकम टू मुंबई अगेन। एंड मेंटेस भी बोल रही होगी कि यार मैं हिमाचल की वादियों में ठीक थी, मुझे कहाँ पे दोबारा वही ट्रैफिक वही गर्मी में लेके आ गए। इट्स ऑल अबाउट मुंबई मेरी जान। तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने अपनी मेंटेस में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। यस, बट इंजन वाइज मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, बहुत ही छोटे मोटे मैंने मॉडिफिकेशन किया है। बाकी बाइक मेरी पूरी की पूरी स्टॉक है। सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन मुझे इसके हेडलाइट्स का करना पड़ा। हेडलाइट को मैं बोलूँगा ऑक्स लाइट का मुझे करना पड़ा, बिकॉज जब मैं जा रहा था हिली एरिया स्टार्ट हुए थे तो मुझे पता चल गया कि जो स्टॉक लाइट का सेटअप है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। रीज़न बीइंग मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ से टर्न ले लूँ जो कि बिना ट्रैफिक सिग्नल के है। बाप रे, क्या है भाई ये चीज़। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, थैंक यू। ओके, तो रीज़न बीइंग क्या है, अभी बाइक मेरे लो बीम पे है। लो बीम जो है इसके राइट हैंड साइड पे है। अब मैं हाई बीम करता हूँ। अब मैंने हाई बीम कर दिया है तो लेफ्ट साइड का ग्लो हो गया, विच इज गुड इनफ फॉर द हाईवे, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस के लिए। बट जब हिली एरिया स्टार्ट होता है और जब मुझे राइट टर्न करना है तो राइट टर्न के साथ मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसका जो हेडलाइट है वो हैंडल के साथ मूव नहीं करता है। तो जब जब राइट टर्न आता था और मैं हाई बीम भी अगर कर दूं तो हाई बीम तो ऑलरेडी इसके लेफ्ट साइड पे है तो उसका फोकस पूरा लेफ्ट साइड पे ज़्यादा होता था और राइट साइड की जो चीज़ें थी मुझे टर्न पे कुछ समझ ही नहीं आता था। सो उसके लिए मैंने क्या सोचा, क्यों ना एक ऑक्स लाइट इस पर लगाया जाए। एंड मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, बिकॉज ज़्यादातर ऑक्स लाइट का साइज़ क्या है बहुत बड़ा होता है तो मुझे वो हाथी के कान वाला हिसाब नहीं चाहिए था। एंड सिंस इट्स नेकेड स्पोर्ट्स तो थोड़ा डिज़ाइन का एस्थेटिक्स भी दिमाग में रखना था। सो आई ऑप्टेड HJG का मिनी ड्राइव। मैं बताता हूँ, मैंने वो जो अगर सामने आपको दिख रहा है वहाँ लगाया एंड काफ़ी ब्रिलियंट लाइट है इसकी। दिस इज द हाई बीम। अभी क्या है कि
फोन लाइट्स वगैरह काफ़ी जले हुए हैं, तो इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा। एंड मुझे लो करना तो ये येलो में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो आप देखिए येलो आगे जो पता चल रही होगी आपको, बिकॉज वाइट तो मिक्सअप हो जा रही है एंड दिस इज येलो। सो इसका इतना अच्छा थ्रू है ना, एंड वर्थ द मनी। आई पेड इसका कुछ 1800 bucks विद द क्लैम्प एंड वर्थ पेइंग। तो चलो अभी मेंटिस को सबसे पहले हम पिलाते हैं तेल। नॉर्मल स्पीड की औकात नहीं रही यार, स्पीड बहुत महंगा हो गया। चलिए तो पहले इसको पिलाते हैं तेल और फिर मुलाकात होती है आपसे। भाई साहब तेल इतना कॉस्टली हो गया ना, अब मानोगे नहीं, हिमाचल धर्मशाला से मैंने स्टार्ट किया था 105 rupees, राउंड करके बता रहा 104 something rupees था। उसके बाद आई एंटर चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मैंने 107 rupees पर लीटर डलवाया। देन यूपी वाज कितना था, 113 आई गेस। उसके बाद एमपी 117 और अपना महाराष्ट्र मुंबई 120। क्या डलवाना है यार तेल, और थैंक्स टू द सिटी में इसका जो माइलेज है, बाप रे रुला देती है। हाईवे में दिस गेव मी अराउंड 26, बहुत अच्छा एवरेज दिया था क्योंकि मैं रेन मोड में चला रहा था। रेन मोड में इट गिव्स मी 25-26, रोड मोड में और 2-3 कम हो जाता है, एंड स्पोर्ट्स मोड में अगर कायदे से चलाऊँ तो 20 का एवरेज दे ही देती है यार, इट्स अ गुड थिंग। 575 rupees का डलवाएंगे आज हम, चलिए 120 rupees 48, कुछ तो कम करो, करिए करिए, कुछ कम हुआ है मेरे ख्याल से है ना, वही है, कब कम होगा पता नहीं। चलो जी पिलाओ साला, 5 liters भी नहीं आया 5 liters 4.77 575 rupees का पेट्रोल, क्या करें, अरे टच करके हो जाता है ये। ओके तो इसके टायर में नाइट्रोजन है, पूछते भैया नाइट्रोजन है क्या आगे कहीं पर है। ओके अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं जो कि है dchamp_15, तो मैंने स्टोरी डाली थी क्योंकि मेरी बाइक स्टार्टिंग 50 किलोमीटर्स में पंचर हो गई थी जब मैं घर से निकला था, एंड मैंने इसको कुछ 8-9 kilometers ऐसे ही ट्रैक किया। तो उस टाइम पे मुझे पंचर वाले ने सजेस्ट किया था कि इस पर नाइट्रोजन डलवाना, तो चंडीगढ़ में जाके जो कि 230 kilometers था वहाँ से मैंने नाइट्रोजन डलवाया था। उसके बाद से मैंने बाइक पे हवा ही चेक नहीं करवाया, तो अभी तो बनता है भाई हवा चेक कराना। तो यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है, आपको मैं HJG मिनी ड्राइव की लाइट के थ्रू बता दूँ, दिस इज इन लो बीम और ये मिनी ड्राइव की लाइट का हाई बीम और ये लो बीम मिनी ड्राइव का, और मैं बाइक का हाई बीम भी ऑन कर दिया मैंने, कुछ वैल्यूएबल आउटपुट मतलब कि इस वीडियो में नहीं, अरे यार चूहा मारा पड़ा था, इस वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज मुंबई है तो हर जगह चका चौंध मची हुई है, बट फिर भी अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं एंड कुछ ऑक्स लाइट ढूंढ रहे हैं, वाह मेरे भाई इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ऑक्स लाइट इन योर बजट, देन आग बंद करके HJG का मिनी ड्राइव आप लोग यूज कर सकते हैं। आहा मजा आ गया, यस। अभी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इसमें, अभी मेरी बाइक का भी हाई बीम है, अब मैं HJG का भी हाई बीम ऑन करता हूँ। ये देखिए भाई लाइट का थ्रो ना हर कुछ है, हर कुछ इतना हर कुछ है कि सामने वाली गाड़ी है मुझे याद है अपनी गाड़ी खड़ी करके हेडलाइट ऑफ कर देते थे, एंड काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी कि यार विच हेडलाइट सेटअप आर यू यूजिंग राइट नाउ इन दिस बाइक, बहुत ऑसम बहुत मज़ा आता था। हाँ तो मुड़ के जाओ, उड़ के जाओगे, इतना दिमाग खराब करते हैं ना, टे 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 टे। ओके फुटबॉल चल रहा है यार, वाह यहाँ पे सॉकर का नया चीज शुरू हो गया, गजब।
नाइस। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे जो मेन काम था वो हो गया है, सूट मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है, मेजरमेंट दे दिया है। अब नेक्स्ट पीते हैं कूलर वाली चाय। जब से मुंबई आया हूँ 2016 से वो एक तरीके से बेस कैंप हो गया है मेरा, और मेरा जो ग्रुप होता था पहले, अरे बाप रे यूनिकॉर्न देवता, कहाँ जाओगे इतनी भगा के, ओ हो भाई कसम से हैट्स ऑफ है ऐसे लोगों को, देखो कैसे जिगजैग करके चला रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना हेलमेट है, ना राइडर ने लगाया है, ना पिलियन ने लगाया है, मर्जी है भाई, मर्जी है आपकी, क्योंकि सर है आपका, है ना, और क्या बोले। चलो चलो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ओके नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, हम रेस नहीं लगाएंगे, हम नॉर्मल चलेंगे, हमें नहीं है शौक गाड़ी के कान खींच के रखने का, नॉर्मल चलो अपना बस। बहुत बहुत ज़्यादा बचत होती है, पेट्रोल की बचत, ब्रेक पैड की बचत, चेन के वेयर एंड टेयर की बचत, बहुत बचत होती है। ऐसा नहीं है कि भगाते नहीं है, भगाते हैं कायदे के साथ भगाते हैं, बट कभी अगर ज़रूरत हो या रोड खाली मिले तब भगाते हैं। तो अपनी चाय पीने की जगह आने वाली है, बस ये ट्रैफिक को काट के अपने लेफ्ट साइड पे आएगा चायोस। चाय मतलब मैं इतना ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं हूँ पहाड़ी और मुझे पता है पहाड़ों में चाय का क्या टेस्ट होता है, बट वाइब्स अच्छे हैं, कूलर में देता है, सो उस वाइब्स की वजह से और थोड़े बहुत मेमोरीज हैं उसकी वजह से यहाँ पे आता हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं है भाई। तो ये आ गया अपना चायोस का स्टोर। ओके बाइक को मैं सोच रहा हूँ यही लगा देता हूँ कि आगे लगाऊँ, बाइक आगे लगाते हैं फिर, अरे इसने तो गाड़ी लगा दी, फिर इधर ही लगानी पड़ेगी, यहीं पे लगाते हैं। चल ओके चलो जी, गियर में ना, गियर में आ जा, सेफ रहेगा। चलो जी यार एक कप चाय पीते हैं, थकान दूर करते हैं, निकालूंगा कैसे, निकालने का टेंशन हो गई अब तो। हाँ तो भाई साहब चाय भी पी लिया एंड मज़ा भी आ गया एंड वापसी का पहला मुंबई ब्लॉग भी बना लिया, इट वाज क्वाइट फन वापस अपने रानी के साथ। बस यार पेट्रोल सस्ता कर दो मुंबई गवर्नमेंट, ये एक लीटर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो आप 32 रुपये ले रहे हो ना, ये कुछ कैलकुलेशन ना समझ में नहीं आती है, मतलब दूसरे स्टेट्स भी हैं बट 32 रुपये एक लीटर के ऊपर, कहाँ जाना है भैया को, भैया आपको कहाँ जाना है, देखो 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 देखो, क्या करके मानेंगे ये फालतू का रोड रेज। बंदा नहीं है, चलो 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 क्या करूं, व्लॉग बंद कर दूं आज का व्लॉग, यार इधर ही बंद कर देता फिर, क्योंकि अभी ऑन एंड ऑफ भी हो गए हैं, घर भी जाना है, जो दो जरूरी काम थे वो भी खत्म कर दिया एंड अब बॉडी का सबसे जरूरी काम घर जाके खाना खाना है। क्या सही बताऊँ ना तो घर जाने का मन ही नहीं करता, बिकॉज फिर वही अकेले बहुत अजीब सा लगता है, पर बाहर भी नहीं घूम सकते, ये कोविड ने ना सही में यार ऐसे तैसे कर रखी है कसम से, पर्सनल प्लस प्रोफेशनल दोनों लेनी देनी कर रखी है भाई, और कब खत्म होगा पता नहीं। हो गया अपना सिग्नल ग्रीन भैया, हो गया हो गया हो गया। तो ठीक है गाइस, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हुई एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
सबसे ज़्यादा आजकल मैं वहीं पर ही पोस्ट कर रहा हूँ। एंड ये थोड़ा सुस्ती आता है यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए, बना लेता हूँ यार बस एडिट करना ना, एंड आई एम नॉट गुड एज दोज हाईली एंड ह्यूजली रिस्पेक्टेड मोटो व्लॉगर्स। छोटा मोटा मोटो व्लॉग का बना लेता हूँ बट उसमें भी बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है। बट फिलहाल के लिए सायोनारा, शब्बा खैर, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी ही दूसरे व्लॉग में। और दूसरा व्लॉग मैं सोच रहा हूँ आपको ये जो मैंने मॉडिफिकेशन किया है लाइट का उसके ऊपर बनाऊँ, और बाइक में मैंने और क्या क्या करवाया है उसके ऊपर बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच, सी या, सेफ रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, बाय बाय।